लगता है कि मैं तो दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना आशीर्वाद हमें दिया है। 15 साल हम कॉरपोरेशन पे रहे, 15 साल हमने सेवा की, 15 साल की सेवा के बाद भी उन्होंने 4% वोट और बढ़ाया, यानी 36 का 10%, यानी 4% बढ़ा है, यानी कि जनता के आशीर्वाद में बढ़ोतरी हुई है, हम पे विश्वास बढ़ा है, और ये विश्वास अभी सीटों के गणित में बदलेगा। जब सीटों के गणित में बदलेगा निश्चित रूप से भाजपा आगे आएगी और ये 2-2.5 घंटे में ऐसी चीज़ें स्पष्ट होने। एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर रहा? अरे एंटी इनकम्बेंसी होती तो मेरा वोट पीछे जाता, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ बढ़ा है और 10% पिछले वोट से मेरे को ज़्यादा मिला, इसलिए जनता मेरे से, मेरे नेतृत्व से, मेरी पार्टी से प्यार करती है, स्पष्ट। दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं जो नतीजे अब तक सामने आए हैं, लगभग तस्वीर जो है साफ होती हुई नज़र आ रही है, 97 सीटें आप लोग जीत चुके हैं। बिल्कुल, अभी जो जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरह के रुझान, उसमें ये बात सही है कि 15 वर्षों की बाद भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव भी लड़ा है। दिल्ली के अंदर हमने आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार की पोल भी खोली है, और जो लोग ये कहते नहीं थकते थे कि दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी को 20 से ज़्यादा सीटें नहीं लाएंगे, आज भारतीय जनता पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों पर जीत रही है। और जिस तरह आम आदमी पार्टी ने जो पूरी दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद किया दूसरे राज्यों में रह जाकर अपनी राजनीति के कारण, वो भी लोग देख रहे हैं। और 15 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का को भी बहुत बड़ा जनसमर्थन मिला है, आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से दिल्ली की जनता ने समर्थन नहीं दिया है। हमने भी 38% वोट लिया है, हो सकता है उनका 2-4% फालतू हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी हम किसी भी रूप में पीछे रहने वाले नहीं हैं। हम जो मैंडेट मिलेगा उसको मानेंगे और आगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 230 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, बीजेपी को सिर्फ 20 मिलेंगे, लिखित में भी दिया था। बिल्कुल, उनके लिखित में पूछना चाहता हूँ, लिखित कहाँ है? उनका जो रिटिन में दिया था वो पत्र दिखाएंगे जनता के सामने, वो ऐसे रिटिन कितनी बार उनके झूठे साबित हुए हैं। ये झूठे वादे भी करते हैं, झूठे पत्र भी लिखते हैं, और दिल्ली की लोगों ने ये सब देखा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सेवा का और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली को दी गई सौगातों का आज भी लोग उसको देख रहे हैं। मेयर आप लोग बनाएंगे? देखिए, मेयर चुनाव होगा तो मेयर चुनाव में बाकी सारी चीजें आएंगी, वो तो मेयर के चुनाव वक्त देखेंगे। बात करेंगे पार्षदों से कि आपको समर्थन दे जो दूसरी पार्टियों के हैं मेयर के चुनाव के समय? देखिए, वो तो पार्टी जब मेयर का चुनाव होगा उस वक्त बातें होंगी, और मेयर के चुनाव के वक्त कौन किस तरफ जाएगा वो सब उस समय निर्भर होगा, और अभी तो बहुत सारी बातें। आखिरी सवाल, बहुमत से थोड़ा दूर रह गई है बीजेपी, इसका क्या कारण आप लोग देख रहे हैं? बहुमत नहीं मिला पूर्ण रूप से? वो तो अभी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको।